हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इनोवेशन। आज है 9 सितंबर 2019 और आज हम डिस्कस करेंगे 9 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर को। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ है चंद्रयान 2 ऑर्बिटर स्पॉट्स लैंडर ऑन मून। अब चंद्रयान 2 का जो लैंडर है वो मून पे स्पॉट किया गया है। ऑर्बिटर के द्वारा लैंडर की जो इमेजेस है वो भेजी गई हैं। ये जो लैंडर है चंद्रयान 2 के द्वारा भेजा गया था मून के सरफेस पर, बट इसका कॉन्टैक्ट एंड मौके पे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लूनार सरफेस पे पहुंचने से पहले एंड हो गया और ये मिस हो गया था, जिसको अब स्पॉट कर लिया गया है, अब आइडेंटिफाई कर लिया गया है ऑर्बिटर के द्वारा। अब जो लोकेशन फाइनल की गई थी लैंडर के लैंड करने की, उस लोकेशन से करीब आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पर इस लैंडर को स्पॉट किया गया है ऑर्बिटर के द्वारा। अब ये जो लैंडर गिरा है इसको प्लान किया गया था सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, बट इसरो के द्वारा ये कन्फर्म किया गया है कि लास्ट मौके पे जो हॉरिजॉन्टल स्पीड में डिफरेंस आ गया था वो स्पीड कम होने की बजाय ज़्यादा हो गई थी, जिस कारण से एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण लैंडर आउट ऑफ कंट्रोल चला गया और ये इसका कनेक्शन एंड हो गया अर्थ से। इसरो के जो सिग्नल्स आ रहे थे वो एंड हो गए और इसके कारण ऐसा माना जा सकता है कि इसके द्वारा हार्ड लैंडिंग की गई होगी, यानी कि ये एक तरह से गिर गया अर्थ की लूनार सरफेस पे, और जिस कारण से ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर के जो इंस्ट्रूमेंट है वो डैमेज हो गए हों। हालांकि अभी तक कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं आया है इसरो के साइड से, उसके बारे में ऑलरेडी काम किया जा रहा है इसरो के द्वारा कि वेदर इट कैन बी यूज प्रॉपरली और नॉट, बट अभी के टाइम में लैंडर और जो रोवर लैंडर के अंदर है उसके होने की जो इमेज है वो ऑर्बिटर के द्वारा क्लियर की गई है। अभी ऑर्बिटर के द्वारा इतनी क्लियर और इतनी क्लैरिटी से जो इमेज आई है ऑर्बिटर के कैमरे की हाई रिजोल्यूशन के कारण देखी गई है, और ये जो कैमरा है अभी तक के किसी भी लूनार मिशन का सबसे हाईएस्ट रिजोल्यूशन का कैमरा है, जिसकी रिजोल्यूशन पावर है 0.3 मीटर। तो ऑर्बिटर के इसी कैमरे के द्वारा इमेज को कैप्चर किया गया, लूनार की सरफेस की इमेज को कैप्चर किया गया जहाँ पर लैंडर पाया गया है। अब चंद्रयान 2 जो मिशन है ये ऑलमोस्ट पूरा 90% तक सक्सेसफुल माना जा सकता है, क्योंकि ऑर्बिटर अपना प्रॉपरली अच्छे से काम कर रहा है। इसके द्वारा लैंडर को भेजा भी गया था बट एन मौके पे लैंडर के कनेक्शन टूटने के कारण अल्टीमेटली सॉफ्ट लैंडिंग पॉसिबल नहीं हो पाई, जिस कारण से लैंडर और रोवर के द्वारा जो काम किया जाना था वो अभी के समय पॉसिबल नहीं दिख रहा है। अभी लैंडर और रोवर की जो लाइफ मानी जा रही थी वो करीब 14 दिन तक काम करने वाले थे लूनार की सरफेस पे, उससे सैंपल कलेक्ट करने वाले थे और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग रिसर्च की जानी थी, बट अब इनके प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में ना होने के कारण जो ऑर्बिटर है उसकी लाइफ को बढ़ा दिया गया है। ऑर्बिटर में फ्यूल का जो सेविंग होगा लैंडर और रोवर के कारण, जो अब सेविंग होने वाला है उसके कारण इसकी लाइफ को 1 साल से करीब 7-7.5 साल तक किया जाएगा। चंद्रयान 2 को जो लॉन्च किया गया था वो 22 जुलाई 2019 को इसरो के श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। ये ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर मिशन है, यानी कि तीन कॉम्पोनेंट है इसमें। ऑर्बिटर है, लैंडर जिसका नाम विक्रम है और रोवर जिसका नाम प्रज्ञान है, और ये इंडिया का पहला लैंडर रोवर और ऑर्बिटर मिशन था मून के लिए। इसका जो टारगेट रखा गया था मून की सरफेस को मैप करना और मून में जो एक्स्ट्रा वाटर पाया जाता है उसके बारे में फर्दर रिसर्च करना था। ऑर्बिटर करीब 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, लूनार सरफेस के 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ऑर्बिट कर रहा है और इसकी जो इमेज है लूनार सरफेस को अलग अलग तरीके से एनालाइज किया जा रहा है ऑर्बिटर के द्वारा। ये जो व्हीकल है जिसके थ्रू चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था वो GSLV मार्क 3 व्हीकल है, यानी कि जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और अल्टीमेटली अब ऑर्बिटर के द्वारा ही इस मिशन की बाकी की कार्रवाई की जानी है। तो चंद्रयान 2 मिशन में लैंडर और रोवर की अभी लाइफ कितनी बची है और ये कुछ जो फर्दर काम असाइन किया गया है ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये आगे आने वाले कुछ दिनों में क्लियर किया जाएगा इसरो के द्वारा। हालांकि रोवर पूरी तरीके से एक्टिव है और अपनी तरीके से काम कर रहा है। दूसरी न्यूज़ है ट्रंप कॉल ऑफ सीक्रेट टॉक विद तालिबान। अब
यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी तालिबान और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट को साथ में लेके, बट ये मीटिंग कैंसिल कर दी है यूएस के प्रेसिडेंट ने। और ये कैंसिल क्यों की है? ये कैंसिल की है क्योंकि तालिबान के द्वारा लगातार वायलेंट अटैक्स किए जा रहे हैं अलग अलग लोकेशंस में अफगानिस्तान में, और पीस टॉक चलने के बाद भी तालिबान इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और अभी रिसेंटली एक अटैक किया गया अफगानिस्तान में जिसमें यूएस का एक सोल्जर्स मारा गया और बाकी अफगानिस्तान के लोग मारे गए। तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीक्रेट टॉक को एंड कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया, और उसके बाद जो नॉर्मल पीस प्रोसेस चल रही थी उसके भी ख़त्म होने की पॉसिबिलिटी मानी जा सकती है। अब इतने लंबे टाइम से यूएस के द्वारा यह कोशिश की जा रही थी कि तालिबान को किसी तरह से पीस टेबल पे लाया जाए, उनके साथ एक पीस डील की जाए, बस तालिबान अपने जो रवैये भी बिल्कुल अडिक था वो वायलेंट एक्टिविटीज़ छोड़ने से बाज नहीं आ रहा था, इवन यूएस के कहने के बाद और यूएस के इतना प्रेशर डालने के बाद और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के कहने के बाद में तालिबान ने वायलेंट एक्टिविटीज़ नहीं छोड़ी और अल्टीमेटली वहाँ के अफगानिस्तान के लोगों को बार बार भुगतना पड़ा तालिबान की इस हरकतों के कारण। अब इसी कारण से अब यूएस ने भी तालिबान से जो पीस टॉक करनी थी उसके मना कर दिया है जब तक कि तालिबान ये जो वायलेंट एक्टिविटीज़ है ये नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर यूएस और अफगानिस्तान के बीच जो ये जो सीक्रेट टॉक चल रही थी और जो पीस टॉक चल रही थी, इसमें सीक्रेट टॉक में तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को इनवाइट किया गया था, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया था, बट जो नॉर्मल पीस टॉक की जा रही थी यूएसए के द्वारा ये तालिबान के साथ, उसमें अफगानिस्तान की गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। एक तरह से यूएस और तालिबान के बीच की ये बातचीत चल रही थी जो कि एक दुनिया के बहुत सारे देशों के द्वारा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, बिकॉज इसमें लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार अगर देश में पीस लाने के लिए एक स्टेक होल्डर्स नहीं मानी जाएगी और एक एक्सटर्नल पार्टी दूसरा देश तालिबान के साथ पूरी तरीके से अपने टर्म्स में बातचीत करेगा, तो ये एक फीजेबल और एक लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन नहीं माना जा सकता, जिस कारण से इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था। और अब तालिबान के वायलेंट अटैक के बाद इसको रोक दिया गया है यूएस के द्वारा। यहाँ पर इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान इंडिया के पड़ोस में स्थित एक देश है, इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इंडिया के द्वारा काफ़ी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी अफगानिस्तान में की जा रही हैं, और पाकिस्तान में अगर टेररिज्म को कंट्रोल करना है तो अफगानिस्तान में इंडिया का एक तो रोल बड़े लेवल पे होना चाहिए, दूसरा जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की जो भी एक्टिविटीज़ हैं टेररिस्ट की वो कम से कम होनी चाहिए, यानी कि अफगानिस्तान में लोगों के द्वारा इलेक्ट गवर्नमेंट होनी चाहिए और पीसफुल माहौल होना चाहिए, और यही इंडिया के फेवर में भी होगा। इसलिए इंडिया चाहता है कि इंडिया का जो स्टैंड है वो तालिबान से बातचीत तभी की जानी चाहिए जब तालिबान वायलेंट एक्टिविटीज़ छोड़ेगा, बट यूएसए ने तालिबान के साथ इन स्पाइट ऑफ वायलेंट एक्टिविटीज़ बातचीत करना शुरू कर दिया था, जो अब यूएस को समझ में आ गया है और उसने भी अब ये जो प्रोसेस की जा रही थी इसको रोक दिया है। तो ये बात हो गई तालिबान और यूएस के पीस टॉक के बारे में। यहाँ पर होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा कहा गया है कि आर्टिकल 371 जिन स्टेट्स को स्पेशल प्रोविज़न देता है उनको डाइल्यूट नहीं किया जाएगा, और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को एश्योर किया गया है होम मिनिस्टर के द्वारा। अब यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की एक मीटिंग की जा रही थी गुवाहाटी में, उसमें होम मिनिस्टर के द्वारा ऐसा बोला गया। 68th सेशन था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का, और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की मीटिंग में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कन्विंस करने के लिए और स्टेट्स को एक तरह से एश्योर करने के लिए ये बात कही गई। अब आर्टिकल 371 क्या है? आर्टिकल 371 कुछ स्टेट्स को और उनके अलग अलग रीजन्स को स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल प्रोविज़न देता है, और ये प्रोविज़न इसलिए दिए जाते हैं कि जो स्टेट्स बैकवर्ड हैं या स्टेट्स के कुछ रीज़न अगर बैकवर्ड हैं तो उन रीजन्स को स्पेशल फोकस देके उनका डेवलपमेंट किया जा सके। ये स्टेट्स कौन कौन से हैं ये पहले हम देख लेते हैं। 371 आर्टिकल में काफ़ी सारे स्टेट्स आते हैं, इनमें अगर हम बात करें महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ लोकेशंस हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन है, गुजरात में सौराष्ट्र रीजन है, जो काफ़ी बैकवर्ड रीजन है, इनके डेवलपमेंट के लिए आर्टिकल 371 के अंतर्गत इनको स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है, स्पेशल बोला गया है। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वो हैं नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश,
इसके अलावा जो राज्य हैं वो हैं गोवा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का एक रीज़न, जिसमें हैदराबाद और उसके आसपास के रीज़न भी शामिल हैं। तो ये जो टोटल स्टेट्स हो गए, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ये आर्टिकल 371 अगर न्यूज़ में है तो इनको, इनके बारे में पूछा जा सकता है। आर्टिकल 370, ये जो आर्टिकल हैं ये एक बार सीक्वेंस में देख लेते हैं। आर्टिकल 371 स्पेशल प्रोविज़न देता है महाराष्ट्र गुजरात को, आर्टिकल 371 ए नागालैंड के लिए है, आर्टिकल 371 बी असम के लिए है, आर्टिकल 371 सी मणिपुर के लिए है, आर्टिकल 371 डी और ई आंध्र प्रदेश के लिए है, आर्टिकल 371 एफ सिक्किम के लिए है, आर्टिकल 371 जी मिजोरम के लिए, 371 एच अरुणाचल प्रदेश के लिए, 371 आई गोवा के लिए और 371 जे सिक्स बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटका रीजन के लिए। तो इतने सारे आर्टिकल हैं जो स्पेशल प्रोविज़न देते हैं स्टेट्स को और उनके अलग अलग एरियाज़ को। यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात की गई है, तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको गठन किया गया था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के तहत, और ये जो फॉर्मल पहली बार आयोजित की गई थी, इट केम इनटू बीइंग ऑन 7th of November 1972 एट सिलोंग। तो सिलोंग में 1972 में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इस्टेब्लिश की गई थी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के अंतर्गत। इसमें 8 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के जो इस काउंसिल के मेंबर हैं। ये कौन कौन से स्टेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में आने वाले स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। तो जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो सारे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में आते हैं और ये सारे मेंबर हैं। इनमें जो मेंबर रहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं स्टेट्स के, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं रिस्पेक्टिव स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स, और इनकी मीटिंग को जो चेयर करते हैं वो चेयर करते हैं होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं और जिस स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहाँ से उनके चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स इसके मेंबर होते हैं, और होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये संस्था आती है। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही काम करती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, राम जेठमलानी पासेस एट 95। राम जेठमलानी जो सीनियर लॉयर थे वो 95 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया है। वो दो बार लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, क्रिमिनल लॉयर थे वो, जूरिस्ट रह चुके हैं, टीचर रह चुके हैं, लिटिगेंट रह चुके हैं और पार्लियामेंट्री एक बड़े लेवल पे उन्होंने इन फील्ड्स में कंट्रीब्यूट किया। ये काफ़ी बड़े लेवल के लॉयर थे और इवन जजेस के द्वारा इनको रिस्पेक्ट किया जाता था फॉर हिज नॉलेज ऑफ लॉ में इनको इतनी ज़्यादा समझ थी कि काफ़ी मामलों में, काफ़ी मुद्दों में जजेस को भी एक नए नए प्रोविज़न और नए नए प्रोविज़न बताने का काम किया जाता था राम जेठमलानी के द्वारा। और ये काफ़ी सीनियर मोस्ट लॉयर माने जाते थे। इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में लिखा है, मैवरिक अनचेंज अनरिपेंटेंट में। ये बेसिकली पाकिस्तान के रहने वाले थे और पार्टीशन के बाद ये इंडिया में आकर बसे और यहाँ पर इन्होंने एज ए पार्लियामेंटेरियन काफ़ी लंबा काम किया और काफ़ी बड़े बड़े केसेस इन्होंने सॉल्व भी किए और काफ़ी बड़े बड़े केसेस के कारण काफ़ी न्यूज़ में भी रहे ये। तो राम जेठमलानी सीनियर लॉयर एंड लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं। अब देखते हैं आगे के इम्पोर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर दिल्ली की एक न्यूज़ है, दिल्ली के एक सिटीज़न के द्वारा एक स्टूडेंट को आईआईटी में पढ़ने के लिए स्पॉन्सर किया जा रहा है और इस स्टूडेंट्स के द्वारा, जिसका नाम है विजय कुमार, आईआईटी दिल्ली में एडमिशन सिक्योर किया गया। और ये सिक्योर जो एडमिशन किया है विजय कुमार ने, ये फ्री कोचिंग जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही थी उस कोचिंग में पढ़ने के बाद आईआईटी में एडमिशन सिक्योर किया गया है इनके द्वारा। तो विजय कुमार को अब स्पॉन्सर किया जा रहा है दिल्ली के एक सिटीज़न के द्वारा और करीब 2 लाख रुपये एक साल में पढ़ाई के लिए इन सिटीज़न के द्वारा दिया जाएगा स्टूडेंट को। तो काफ़ी अच्छा कदम है। अगर लोगों को या नॉर्मल सिटीज़न को, जो लोग एफर्ड कर सकते हैं गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा दे सकते हैं, अगर लोगों में इतनी समझ आती है, इतनी अवेयरनेस होती है कि वो गरीब बच्चों को स्पॉन्सर कर सके उनकी पढ़ाई के लिए, तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। अगर बच्चों को रिसोर्सेज की कमी की वजह से पढ़ाई में दिक्कत हो रही है या उनकी पढ़ाई छूटती है तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होता है किसी भी कंट्री के लिए। इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेटर से बेटर एजुकेशन दी जानी चाहिए, और अगर जिन बच्चों को नॉर्मल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, जिन लोगों, जो गरीब बच्चे हैं जिनको नॉर्मली ना पैसे हैं उनके घर में और ना ही फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलता है, तो ऐसे बच्चों को अगर
बाकी सिटीज़न बाकी लोग आगे आकर हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत ही अच्छा कदम है। लोगों को भी कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के लिए एक अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा मिलेगी और जितनी उनकी काबिलियत है उसके हिसाब से उनको पढ़ने के मौके मिलेंगे बिना पैसों की परवाह किए हुए, तो एक तरह से कंट्री का जो फ्यूचर है वो भी और ज़्यादा ब्राइट किया जा सकता है, और इसमें पैसों का ये सबसे अच्छा यूज़ माना जा सकता है। तो काफ़ी अच्छा कदम है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा भी और दिल्ली के रेजिडेंट के द्वारा भी, जो ऐसे बच्चों को स्पॉन्सर किया जा रहा है। अब देखते हैं अगली न्यूज़। यहाँ पर अमृता देवी विश्नोई जी के बारे में बताया गया है। अमृता देवी विश्नोई किस फील्ड को बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं एनवायरमेंट फील्ड से। 1730 की एक घटना है जिसमें 363 मेंबर ऑफ विश्नोई कम्युनिटी ने जान दी केवल पेड़ों को बचाने के लिए। तो ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अमृता देवी विश्नोई किस फील्ड को बिलोंग करती हैं? तो इसका आंसर है एनवायरमेंट और ट्री कंजर्वेशन के फील्ड से बिलोंग करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनवायरमेंट के लिए। अमृता देवी विश्नोई विश्नोई कम्युनिटी और एनवायरमेंट रिलेटेड फील्ड से बिलोंग करती हैं। मध्य प्रदेश हैप्पीनेस डिपार्टमेंट टू ओपन टाइम बैंक। मध्य प्रदेश के हैप्पीनेस डिपार्टमेंट ने अब टाइम बैंक ओपन करने का डिसीजन लिया है। ये अनाउंस किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इस टाइम बैंक के द्वारा स्टूडेंट या कोई भी पर्सन नई नई स्किल सीख सकता है और दूसरे को सिखा सकता है। तो क्रेडिट बेस के बेसिस पे ये काम किया जाएगा, और अगर कोई पर्सन अपना टाइम डिवोट करके किसी को स्किल सिखाता है तो उतना टाइम उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, और उस अकाउंट उस क्रेडिट के बेसिस पे वो दूसरे किसी पर्सन से स्किल सीख सकता है। तो एक तरह से स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए ये जो है टाइम बैंक ये एस्टेब्लिश किया जा रहा है हैप्पीनेस डिपार्टमेंट के द्वारा। इसमें काफ़ी सारे स्किल हो सकती हैं, जैसे कि गार्डनिंग हो गया, प्लेइंग ए गिटार हो गया, या इससे रिलेटेड कोई और स्किल्स हो गई। तो एक तरह से सोसाइटी में अलग अलग लोगों में जो टैलेंट है उस टैलेंट का यूज़ किया जाएगा, और वो टैलेंट लोग अपना टैलेंट यूज़ करके दूसरे को भी नई स्किल सिखा सके, और दूसरों से जो स्किल सीखना चाहते हैं वो स्किल सीख सके। इसके लिए ये जो कदम है वो उठाया गया है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। पहली बार टाइम बैंक ओपन किया गया था जापान में 1973 में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं इस आर्टिकल से। हैप्पीनेस डिपार्टमेंट एमपी में पहली बार एस्टेब्लिश किया गया था, और अभी रिसेंटली इसके द्वारा टाइम बैंक ओपन किया गया है। किस लिए ओपन किया गया है? ये स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए ओपन किया गया है। लोग एक दूसरे को स्किल सिखा सकते हैं या उनसे स्किल सीख सकते हैं टाइम थोड़ा सा टाइम डिवोट करके। और पहली बार टाइम बैंक बना था जापान में 1973 में। तो ये सारे बातें हो गई टाइम बैंक के बारे में। अब यहाँ पर बात की गई है एनसीएलटी के बारे में। एनसीएलटी क्या है? एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। तो 2013 के अंतर्गत एनसीएलटी को एस्टेब्लिश किया गया था। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2016 में, और ये एक कोसाई जुडिशियल बॉडी है, एक ट्राइब्यूनल है। तो ट्राइब्यूनल जो भी होते हैं वो कोसाई जुडिशियल बॉडी ही होते हैं, तो एनसीएलटी भी कोसाई जुडिशियल बॉडी है। 2013 में कंपनीज एक्ट के अंतर्गत एस्टेब्लिश किया गया था, और इसका जो एक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2016 में हुआ था। अभी एनसीएलटी की दो नई बेंचेस ओपन करने की बात की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। इसमें एक बेंच है अमरावती बेंच, जो मलानगिरी में एस्टेब्लिश की जाएगी गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, और दूसरी बेंच इंदौर में एस्टेब्लिश की जाएगी मध्य प्रदेश में। तो दो नई बेंचेस एनसीएलटी की कहाँ कहाँ एस्टेब्लिश होने वाली है, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम के लिए। ये दो बेंचेस होंगी, एक तो अमरावती बेंच जो मलानगिरी गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश होगी, दूसरी एमपी में इंदौर में एस्टेब्लिश की जानी है। अब एनसीएलटी जो संस्था है इसके द्वारा जो कुछ एक्ट के अंतर्गत जितने भी प्रोविज़न होते हैं उनके बारे में डील किया जाता है। तो एनसीएलटी कुछ एक्ट को डील करता है। ये स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन किन एक्ट के रिलेटेड मामलों को एनसीएलटी डील करता है। एनसीएलटी डील करता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत जो मामले आते हैं, इसके अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के मामलों को डील करता है, और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को डील करता है। तो ये जो तीन एक्ट हैं, इन तीन एक्ट से रिलेटेड प्रोविज़न के बारे में देखा जाता है एनसीएलटी के द्वारा। कंपनीज एक्ट 2013, बैंक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो ये तीन मामले
इन तीन एक्ट के अंतर्गत जो मामले आते हैं उन मामलों पे सुनवाई की जाती है एनसीएलटी में। अब कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा एक अच्छा और पॉजिटिव कदम उठाया गया है। कर्नाटका गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने प्लान किया है कि करीब 1000 से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के सेक्शन इस्टेब्लिश किए जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में एकेडमिक ईयर 2020-2021 के दौरान। तो एकेडमिक ईयर 2020-21 में 1000 से ज़्यादा इंग्लिश सेक्शंस इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव एक अच्छा कदम माना जा सकता है, बिकॉज नॉर्मली गवर्नमेंट स्कूल में जो इंग्लिश का लेवल है वो काफ़ी कम है, और जो जिस लेवल पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है इंग्लिश में वो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को। तो अगर गवर्नमेंट के द्वारा थोड़ा फोकस ज़्यादा किया जाए इंग्लिश मीडियम के सेक्शंस पे, इंग्लिश की जो एजुकेशन दी जा रही है उसकी क्वालिटी पे, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जो नॉर्मली पुअर बैकग्राउंड से ज़्यादातर होते हैं, उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। इंग्लिश एक अच्छे लेवल में अच्छी क्वालिटी के साथ ज़्यादा जिन स्कूलों में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती अब उन स्कूलों में भी इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव कदम माना जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर जैसे हमने कल भी देखा था कि जो लोकल लैंग्वेज है उसको भी प्रमोट किया जा रहा है, जो एक बहुत अच्छी बात है। जैसे कि कर्नाटका में अगर हम माने कि कन्नड़ लोकल लैंग्वेज है, इसको भी प्रमोट किया जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ के लोगों के लिए ये उनका कल्चर है और कल्चर को प्रिजर्व किया जाना चाहिए। जब तक कि पढ़ाया नहीं जाएगा वो प्रोपगेट नहीं होगा, विकसित नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम प्राइमरी लेवल के ऊपर जाते हैं, सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल या हायर एजुकेशन के लिए, तो वो सारी एजुकेशन नॉर्मली इंग्लिश में ही पॉसिबल हो पाती है, और जो बच्चा जितनी हायर एजुकेशन चाहता है वो इंग्लिश में ही पॉसिबल है। और नॉर्मली प्रोफेशनल स्टडीज़ भी जो होती हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही होती हैं। तो इसलिए इंग्लिश एजुकेशन और इंग्लिश मीडियम का जो इंग्लिश का जो नॉलेज है वो बच्चों को ज़रूर दिया जाना चाहिए, और बहुत ज़रूरी है एक ओवरऑल ग्रोथ के लिए। बिकॉज जो नॉर्मली अगर बच्चों को किसी कहीं पर भी जॉब करनी है या आगे प्रमोट करना है, प्रोफेशनल करियर बनाना है, तो वहाँ पर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है, और गवर्नमेंट स्कूल्स में नॉर्मली इसकी क्वालिटी उस लेवल की नहीं होती है, जिसके कारण बच्चों को अपने लेवल पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है हायर एजुकेशन या उसके बाद। तो इसलिए अगर प्राइमरी लेवल पे या सेकेंडरी लेवल पे एक अच्छी एजुकेशन बेटर तरीके से दी जाएगी, तो ये बच्चों के फ्यूचर के लिए और बच्चों के फ्यूचर के बाद कंट्री और स्टेट के फ्यूचर के लिए बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इस डिसीज़न और इस कदम के बाद। इस आर्टिकल में बात की जा रही है बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में अभी नाइट जो ट्रैफिक है उस पर बैन किया गया था, जिसके कारण से जो रात का जो मूवमेंट है वो काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि इसके एक अल्टरनेटिव रूट बनाया जाए और नेशनल जो पार्क है, टाइगर रिजर्व है, इसको बाईपास करके कोई अलग से रास्ता, अल्टरनेट रूट डेवलप किया जाए। तो इस बारे में ये आर्टिकल है। यहाँ पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये कर्नाटका में स्थित है। अगली न्यूज़ है सेंटिनल्स के बारे में। सेंटिनल्स कौन है, ये एक ट्राइबल ग्रुप है जो इंडिजीनियस है अंडमान निकोबार आइलैंड में। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले सेंटिनल्स के द्वारा एक अमेरिकन टूरिस्ट को मारा गया, बिकॉज वो अमेरिकन टूरिस्ट सेंटिनल्स के जो रीजन है जहाँ पर ये लोग रहते हैं, ये आदिवासी ग्रुप रहता है, वहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहा था। तो ऑलरेडी ऐसी काफ़ी घटनाएँ पहले भी हो चुकी हैं, और ये जो सेंटिनल्स ग्रुप है ये इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में भी पूछा गया है सेंटिनल्स ग्रुप्स कहाँ पाया जाता है इंडिया में, तो इसका आंसर है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो अंडमान और निकोबार के एक इंडिजीनियस ट्राइबल ग्रुप है सेंटिनेलिस। नीलगिरी तहार्स प्रोटेक्शन अप बाय 27% इन 3 ईयर्स। नीलगिरी तहार एक इंडिजीनियस और एंडेमिक एनिमल है जो नीलगिरी फॉरेस्ट के और उसके नियर बाई एरिया में पाया जाता है। ये एरिया आते हैं केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका का नियर बाई रीजन, यहाँ पर ये नीलगिरी तहार पाया जाता है। नीलगिरी तहार मुखुर्डी नेशनल पार्क में काफ़ी प्रोमिनेंट तरीके में पाया जाता है, और यहाँ पर इसकी जो संख्या है काफ़ी बड़ी है पिछले कुछ सालों में। इसको नीलगिरी आईबेक्स भी बोलते हैं। नीलगिरी तहार एक तरह से हिरन की तरह एक एनिमल है जो नीलगिरी एरिया में स्पेशली पाया जाता है, इसके कारण से इसे नीलगिरी तहार बोला जाता है।
इसकी संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। इससे पहले भी टाइगर की पॉपुलेशन भी अच्छी बढ़ी है, नीलगिरी तहर की भी पॉपुलेशन अभी भी अच्छी बढ़ी है। तो इसका मतलब कि ग्राउंड लेवल पे जो एनिमल्स को प्रोटेक्शन के लिए जो कार्रवाई की जा रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा और नियर बाई कम्युनिटी के द्वारा, ये काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट अब धीरे धीरे करके दे रही है और जो एनिमल्स की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो नीलगिरी तहर एंडेमिक है, इस एरिया में स्पेशली पाया जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। मुखुर्ती नेशनल पार्क में मेनली इनकी जो पॉपुलेशन है वो बड़ी है, ऐसा रिसेंट टाइम में देखा गया है। अभी जो अगली न्यूज़ है, यूनियन टेरिटरीज जो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की दो बनाई गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इनका एक कॉमन हाई कोर्ट होने वाला है ऐसा बोला गया है, ऐसा फाइनल किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख का एक कॉमन हाई कोर्ट होगा। इससे पहले भी नई दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जिसका एक अपना हाई कोर्ट है, बाकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो अपने जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके हाई कोर्ट के अंतर्गत या उनके हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में बाकी यूनियन टेरिटरीज आती हैं, लेकिन नई दिल्ली का अपना खुद का एक हाई कोर्ट है। अब उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक कॉमन हाई कोर्ट होने वाला है। यहाँ पर विक्रम लैंडर के बारे में बताया गया है, वो काफ़ी डिटेल में बताया गया है, इतना डिटेल में एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑलरेडी जो इम्पोर्टेंट है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगली न्यूज़ है इंडियन ओशियन के बारे में, चाइनीज़ ट्रॉलर इन सदर्न इंडियन ओशियन वरी इंडिया। चाइनीज़ ट्रॉलर हैं जो मछलियाँ पकड़ने के लिए, डीप सी माइनिंग के लिए, डीप सी फिशिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो साउथ चाइना सी से काफ़ी दूर आकर इंडिया, इंडियन ओशियन के सदर्न रीजन में देखे गए हैं। ये इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस और इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके लिए काफ़ी कंसर्न का विषय हो सकता है, बिकॉज चाइना की प्रेजेंस सदर्न इंडियन ओशियन में एक तरह से इंडिया की सॉवरेनिटी को भी हिट करता है। हालांकि ये जो ट्रॉलर्स थे चाइना के, ये इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं आते, बट फिर भी काफ़ी क्लोज थे, और चाइना के साथ साथ हांगकांग और ताइवान के ट्रॉलर्स भी देखे गए हैं सदर्न इंडियन ओशन में। अब चाइना की जो प्रेजेंस इंडियन ओशन में बढ़ रही है वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, बिकॉज चाइना ऑलरेडी काफ़ी अलग अलग तरीके से इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इंडियन ओशन में इंडिया के द्वारा माना जाता है कि इंडियन ओशन में किसी भी कंट्री का एक तरह से आधिपत्य नहीं होना चाहिए, ये इंडिया के नाम से है और इसमें जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए फ्री होना चाहिए, बट चाइना के द्वारा अलग अलग तरीक़ों से अपने नेवल शिप्स, अपने आर्मी के शिप्स या अपने ट्रॉलर्स बार बार भेजे जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो सर्विलियंस या नॉर्मल रूटीन का जो काम किया जाता है ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। अब यहाँ पर इन ट्रॉलर्स को जो आइडेंटिफाई किया गया, ये नेवी के एक सिस्टम, एक सेंटर के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, जो गुरुग्राम यानी गुड़गांव में स्थित है। ये एक सिंगल पॉइंट सेंटर है जो कोस्टल एरिया के सारे रडार्स को इंटरलिंक करता है और सारे कोस्ट लाइन के अलोंग जितने भी इनपुट्स हैं वो गुरुग्राम के नेवी के सेंटर के थ्रू ही कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। ये अभी रिसेंटली इस्टेब्लिश किया गया था गुरुग्राम में नेवी के द्वारा, और इसी के द्वारा ये पूरे जो कोस्टल रीजन है इसको सुपरवाइज किया जाता है। इंडियन ओशियन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, चूंकि ये इंडिया के एक इंडिया की जो लोकेशन है वो इंडियन ओशियन के जस्ट ऊपर है, तो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशियन में इंडिया ऑलरेडी डीप सी माइनिंग का अधिकार मिला है इंडिया को इंटरनेशनल बॉडी से, तो जो रिसोर्सेज इंडियन ओशियन में पाए जाते हैं उसके लिए भी इन रिसोर्सेज के प्रेजेंस के कारण भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, काफ़ी ऑयल और अदर जो गुड्स हैं उनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है यानी कि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, उनके लिए भी उन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडियन ओशियन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हो गई इंडियन ओशियन के बारे में। यहाँ पर अगली न्यूज़ है हांगकांग के बारे में, हांगकांग प्रोटेस्टर्स अपील टू ट्रंप टू लिबरेट देम। हांगकांग में जो प्रोटेस्ट है काफ़ी वायलेंट होता जा रहा है, यहाँ पर कुछ महीनों से चाइना के द्वारा जो रूल्स और जो नए कानून थोपे जा रहे हैं उसके अगेंस्ट हांगकांग की जनता के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और चाइनीज़ गवर्नमेंट के बिल वापस लेने के बाद भी ये प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं ले रहा, और ये लगातार नए नए मुद्दों को ऐड करके और ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है। अब इन प्रोटेस्टर्स के द्वारा अपील की गई है डोनाल्ड ट्रंप से कि चाइना के रूल से उन्हें आज़ाद करवाए अमेरिका, और ऐसा बोला गया है, डोनाल्ड ट्रंप से हेल्प एक तरह से मांगी गई है इनके द्वारा। तो
हांगकांग की अगर हम बात करें तो ये ब्रिटिश कॉलोनी रह चुकी है और 1997 में ये चाइना को हैंडओवर की गई थी अंडर वन कंट्री टू रूल सिस्टम। इसमें हांगकांग में डेमोक्रेसी के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम करती है और इसको गवर्न किया जाता है चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें एक बिल के अगेंस्ट जो एक्सट्राडिशन से रिलेटेड था, उस बिल के अगेंस्ट हांगकांग के लोगों का जो प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट हुआ था, बट इसके बाद धीरे धीरे अलग अलग जो ग्रीवांसेस थे हांगकांग की जनता के वो ऐड होते चले गए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन प्रोटेस्टर्स का साथ देने लगे और एक तरह से पूरी जनता हांगकांग की अब इस समय तक चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा किए जाए रूल और उनके द्वारा किए गए अलग अलग कानूनों और रूल्स का के अगेंस्ट हो गई है और अल्टीमेटली इन्होंने यूएस से हेल्प मांगी है। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। स्पोर्ट्स पेज पे एक न्यूज़ है, यूएस ओपन की नई विनर बन गई है। यहाँ पर सेरेना विलियम्स को हराया गया एक नई विनर के द्वारा, जिनका नाम है बियांका एंड्रुस्कु। ये यंगेस्ट यूएस ओपन की विनर बन गई है। 19 साल की एज में इन्होंने यूएस ओपन जीत लिया है और कनाडा की ये पहली ग्रैंड स्लैम वुमेन सिंगल में विनर और चैंपियन बन गई हैं। तो बियांका एंड्रुस्कु ये यूएस ओपन की नई विनर हैं और इतनी कम उम्र में इन्होंने ये खिताब जीता है सेरेना विलियम्स को हरा के। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बियांका एंड्रुस्कु सेरेना विलियम्स को हरा के यूएस चैंपियन फीमेल कैटेगरी में। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।